तो गाइस हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? होप करते हो सारे बढ़िया होंगे। यार बाल खराब हो गए, बस अभी नहाऊंगा। उधर गया था ना मैं, पटेल के काम से कहीं गया था बाइक लेके, तो पटेल और मैं गए थे। तो यहाँ उसको काफ़ी दूर था, लाइक वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ दिल्ली, ठीक है, बुराड़ी में हम बिल्कुल एंट्रेंस पे, और हमने फुल दिल्ली क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था, बिल्कुल एंड की साइड, नोएडा के साइड बिल्कुल आगे जाके, मतलब उस साइड भी नहीं, गुरुग्राम की साइड जाना था हमें। तो भाई उड़ाते हुए गया मैं बाइक, हम निकले थे, पता नहीं कितने बजे निकले थे। ओए हम निकले कितने बजे थे यहाँ से? पौने दो के आसपास निकले थे, और वहाँ एक्यूरेट ढाई बजे पहुँचे थे, 4 मिनट पहले। 45 निकले पूरे, पूरे 145 निकले पौने दो, 230 और 221 पे पहुँचे, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। तो पहले तो ये, और जाते हुए तो ट्रैफिक भी बहुत मिला था, उस करके भी कुत्ती पेलते गया मैं तो भाई। और वापसी में वहाँ जाके फिर थोड़ा इसका जो काम वाम था वो निपटाया, फिर निकले हम। कितने बजे निकले थे? अभी 4 बजने वाले ना, 3:30 हो रहे हैं। हम निकले थे भाई उस बंदा 258 पे, फिर वहाँ से निकले और यहाँ पे 3:40 पे पहुँच गए, बिल्कुल सेम टाइम लगा पहले जितना लगा था आना जाना। उड़ाते गए, उड़ाते आए, वापसी में तो फिर कम ट्रैफिक मिला, जाते हुए बहुत ट्रैफिक मिला था। बस ये है, चलान चलून ना पहुँचे, मेरे तो पहुँचेंगे नहीं, मामा की बाइक थी मामा जी के, रोहतक पहुँचेंगे चलान। मैं गया देखूंगा कितने गए वहाँ, जिस बंदे के साथ थे उसने 3-4 तो रेड लाइटें टपा दी मोटी मोटी, फिर एक दो तीन ओवर स्पीडिंग मैंने कर दी थी थोड़ी सी। मैं क्या, चलो बाइक की स्पीड लिमिट नहीं लिखी हुई थी, तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है। बाकी बस अभी नहाऊंगा फटाफट, तैयार होके लक्ष्य चौधरी के उसमें निकलेंगे भाई, स्टैंड अप में आगे बैठना। और ये पहन के गया था मैं ताकि टैनिंग वैनिंग ना हो, ये उसकी है क्या कहते हैं बाइक की मेरी, देखो कितनी सेक्सी फिट हुई है तुम्हारे भाई के, क्या ना बड़े भाई पर्सनैलिटी हो तो क्या कुछ नहीं फिट हो जाए भाई। हो गया तैयार, बाल बाल देखो मस्त सेट हो गए एकदम सेक्सी, थोड़ा सा इग्नोर करना, हाँ मस्त सेक्सी बाल सेट। और बाली पहननी है ठीक है, और ये टी शर्ट पहनी है अपने ने आज ये, और पीछे स्पॉन्ज बॉक करके है, दिख रहा होगा अभी दिखा देता हूँ। और आज ये शूज़ लेके आया हूँ मैं, न्यू पारा एडिशन, ठीक है मस्त। मैंने लेसिस बदल लिए, एक में ब्लैक डाले एक में वाइट डाले, उसने दो लेसिस दिए थे साथ में, तो मैं क्या चलो ठीक है, पीछे लिखा भी हुआ है पारा, सही है। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कोई लो शूज़ लिए हैं, बहन भी थी साथ में, सब ने कहा ये बढ़िया लग रहे हैं, तो मैंने ये वाले ले लिए थे, सही है। फोटो फाटो तो आ जानी चाहिए बढ़िया, पीछे दिखाइए टी शर्ट पारा है प्यारा भाई, पीछे स्पॉन्ज बॉब की ये भी, ये मेरा सुबह से लाया था, सही है। और क्या कहते हैं दिखाओ अपने को, बस निकलना है, 4:45 हो गए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकल लेते हैं, 6:30 का शो है, होप जल्दी पहुंच जाए तो बढ़िया रहेगा, आगे की सीट मिल जाए तो स्वाद ही आ जाएगा, बाकी देखते हैं क्या रहता है और कितना बातचीत करने को मिलता है लक्ष्य भैया से। फोटो भी आ जाए मैं तो खुश हूँ, लक्ष्य चौधरी के साथ फोटो तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, मेरे लिए तो है भाई, उस बंदे का गलत लेवल फैन हूँ मैं, गलत लेवल, बिल्कुल ही गलत लेवल। मिलते हैं, बाकी सोचा तो है मैंने व्लॉग करने की पूछूंगा, बट उम्मीद नहीं है मेरे को कि कर पाऊंगा या नहीं, कहीं करने देंगे, भीड़ ही बहुत होती है, पहले भी निम्बसी भाई भैया और गुजराल भैया के साथ भी नहीं करने दी थी, तो देखते हैं इवेंट वालों के ऊपर है, बाकी चलेंगे अभी। भाई अपने को था कि मेट्रो से जाएंगे, बट इतना टाइम नहीं था, मेट्रो से जाते 6-7 स्टेशन बीच में पड़ रहे थे, और फिर उतरना भी कहीं और पड़ता, वहाँ से ऑटो वोटो या जो भी करते वहाँ से अलग आना पड़ता, बहुत लंबा पड़ रहा था। फिर लास्ट मोमेंट पे यहीं से कैब ही कर ली फटाफट, अभी है भैया पहुँचा देंगे जल्दी, कितने बजे, जितने 6 बजे से पहले पहुँचा देंगे भैया, बस ये है, नहीं तो 6:30 भी लेट हो जाते, बहुत लेट हो जाते उधर तो उस टाइम। नाम क्या भैया आपका? मैं ध्यान नहीं दिया। मोहम्मद फरीद, सही है, अब भैया के हाथ में है जल्दी पहुंचाना अपने को, तो बस फाइनली बड़ी सेकंड रो में तो मिल जाएगी सीट, हाँ है ना, बढ़िया स्टेज पे चढ़ जाएंगे। अच्छा डिनर डिनर कहना बड़े भाई नाना करना आज सिस्टम बिठा लोगे अपना मेरा नया, चल सीट मिले ना मिले डिनर तो साथ ही है ना बड़े भाई अंदर की बातचीत है बाबा। लैक्स ए ब्रो, लैक्स ए ब्रो
ना स्टैंड अप देखने बड़े भाई लैग से देखने आए थे, पर लैग से की दादियां बड़ी सोच बच के आई हैं। काश लक्ष्य भी अपनी दादियों को तोड़े अपने व्लॉग में, है ना। फ्रंट पे बैठे हैं ना उसको, है ना, कहाँ है वो, यही कहीं होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, लक्ष्य भैया का काम है। ऐप वाले की बदौलत जल्दी पहुँच गए। शुक्र है लास्ट मोमेंट पे कैश पे आया। मिली है पर थोड़ी कॉर्नर मिली। अरे फर्स्ट मिली है, ठीक है। और कैब वाले को अलग ही गेड़ा दे रखा था मैंने। मैं क्या, तू पहुँचा? मैंने उसको कहा 6 बजे का टाइम है, उसने 5:50 पे पहुँचा दिया, 5:45 पे नहीं 35 पे उठा के, बस 15 मिनट में 15 किलोमीटर दिल्ली में जो भगाई उसने, गालियाँ देता हुआ भगा रहा, कह रहा तुम्हें तो पहुँचाऊंगा। 6:30 का शो था, आगे गाड़ी खड़ी है तो चला ले इसको। भाई उसने शुक्र है जल्दी पहुँचा दिया, फर्स्ट सीट बदौलत, थैंक ऑल थैंक्स टू मोहम्मद फरीद जो ड्राइवर था भाई। हमारी फोटो तो हो गई, एक स्पेशल चीज के लिए वेट कर रहे हैं पॉसिबल। भाई मी विद माय फेवरेट यूट्यूबर, भाई मेरी गांड फट गई लिटरली, यहां खड़े हो गए मेरी गांड फटी गई। सन्नी लियोनी की शादी, अगर सन्नी देओल से है ना, दोनों सन्नी देओल बहन चो, भाई गांड फट गई। थैंक यू भैया, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया शो था। गांड खुल गई भाई, गांड खुल गई यार, स्वाद वाला भाई, गलती स्वाद भाई। सन्नी लियोनी वाला जोक मारती हूँ मेरे व्लॉग में, बहन चोद भाई गलत लेवल, बहन चोद गलत लेवल। इधर से चल रचित भाई के साथ फोटो लेनी मैंने, बहन की चोद। अरे जानते हो भाई, अरे बहन की चोद भाई, सही बताया यार। अभी तू यहीं पे आया था ना दिल्ली में, हाँ तब वो वाला देखा था। क्या बात है बहन चोद, गांड खुल गई मेरे, सही बता भाई, धन्यवाद यार। मेरा तो बहन चोद दिन सा बन गया, माँ की चोद दिल्ली में मिल गए यार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कैसे स्पेशल इसके, इसी के लिए, हाँ स्पेशल सिर्फ लक्ष्य बाइक ले इसके साथ, मेरे को व्लॉग करना था इनके साथ, नाचो इंस्पिरेशन है एंड की जूस। ओके भाई मिलते हैं, धन्यवाद रचित भैया। भाई मेरी गांड खुल गई भाई, ये अनम्यूट डालूंगा, सब अनम्यूट डालूंगा भाई। मैं तो कुछ भी नहीं, भैया जितनी गालियां दी ना भैया ने, जो खोला सनी तो खुद बता कैसा था। मजा आ गया मेरे को उम्मीद नहीं थी भैया मेरे साथ व्लॉग कर लेंगे, सनी लियोनी वाला जोक मार दिया बहन चोद भाई, मेरी तो गांड ही फट गई। मैं कहा भैया चल साथ खड़े हैं, सीधा मुंह पे बोला, मैं कहा भैया मेरी तो गांड ही फटी पड़ी है। कहते सनी लियोनी की शादी सनी देओल से हो जाए तो बहन चोद, मैं तो पागल, अंधा पागल भाई, अंधा पागल भाई। भैया ने तो जो खुले जोक्स मारे, जो खुले जोक्स अड़ा दिया, कहना पड़े भाई रखा पीछे भाई, खुल्ला खुली गांड मार ली, फकत गांड मार ली भाई। अब चलते एक बारी, क्या सीन रहता आगे का, ठीक है भाई। दिल्ली आना सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, मना नहीं करा भैया ने, काम हुआ और बेस्ट है ना। और भैया ने कहा, मैंने पहले कहा भैया को, मैं भैया व्लॉग करना है, कहते हैं कोई चक्कर नहीं साइड में रुक जा, तू लास्ट में तेरे साथ कर लूंगा। वहां चो भैया लेके गए, देखा भैया ने कहा हां तू आ जा, आ जा भैया चो, आगे से बुलाया सिक्योरिटी के बीच में, आ जा बैंड चो, गांडी फट गई भाई। अब चलते हैं एक बारी, क्या सीन है। अरे सब्सक्राइबर कहां से मिल गया वो भाई, उसके बहुत सब्सक्राइबर पीछे पीछे दाना भाई, मैं तेरी बात चो कहां से है पता नहीं भाई, कॉलेज के हैं क्या पता ही नहीं भाई, ये सी रैंडम भाई, बेस्ट रैंडम है। हाँ। तो फर्स्ट रैंडम मिला होगा जो कॉलेज से बाहर का भाई, पता नहीं गांड ही खुल गई कुत्ती भाई। भाई भैया भाई ड्रीम था आपके साथ व्लॉग करना। भाई मना नहीं करा भैया ने भी, बिल्कुल मना नहीं करा भाई, ले भाई गलती गांडे खुल गई भाई, गलती गांडे। उधर से बाकी लोग अलग जाएंगे, स्वाद भाई बाहर जाके ना, सही है। चल अब अपन निकलते हैं सीपी। हाँ। भाई वो तो सब हो गया, अब ऑटो ऑटो का जुगाड़ देखना है क्या करते हैं। बहन आएगी गाड़ी लेके, वो बाद में आएगी, ठीक है। और भाई मेरे को रचित भैया के साथ जो फोटो खिंचवा रहा था ना, रचित भैया कहते हैं नाई शूज मेरी खुल गई भाई, उनके साथ वाले फ्रेंड भी कहते हैं नाई शूज मेरी गंदी खुल गई है, आज ही लिए मेरी गंदी।
बोलके यार ऑटो देखो, उधर से ही देखना पड़ेगा जो गलती फील है। तो भाई मैं तो क्या ही बताऊं भाई, खुला एकदम आज तो फुल हवा में, पीछे भी वही लोग खड़े हैं। हमें घंटा कुछ टाइम पास करना है, अब हम आए सीपी और सीपी हो गया, अब 10 बजे बंद, टाइम ही चेंज हो गया, हमें पता ही नहीं था। अब थोड़ी बहुत आइसक्रीम उस्क्रीम लेके थोड़ा ऐसी ठुल ठाल लेते हैं, देख लेते हैं चलने, क्या पता ये बाहर के वेंडर्स वगैरह ही बंद हुए हो, हो भी सकता है। रोशनी में चल के देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। बहन आएगी उसके बाद जाना है हमने जामा मस्जिद, गाड़ी गुड़ी लेके आएगी, वो भी अभी कहीं बिजी थी, एक घंटा लगेगा उसको भी थोड़ा, कोई नहीं देख लेते हैं थोड़ा। सीपी भी देख लिया इसी बहाने हमने, पूरा ऑडिटोरियम चिल्लाता रह गया कि भाई एक बार वो सनी लियोनी वाला डायलॉग मार दो, भैया ने बोला नहीं लक्ष्य भैया ने, और मेरे ब्लॉग में अपने आप ही ऐसे भाई जो इतना मारा, गंदा मारा, मेरी फट के हाथ में आ गई, सारे चिल्ला रहे भैया एक बार वो बोल दो, उन्होंने बोला ही नहीं, और मेरे में आगे से बोल दिया भाई। और उसके बाद जो फैन मिल गया भाई, फैन नहीं अपना बंदा ही मिल गया, फैन तो क्या ही, हम तो छोटे बंदे भाई, गलती भी लागी गलती। यार वहाँ गए, वहाँ उसने बंद कर दिया आते, यहाँ है यहाँ इसने बंद कर दिया आते, कहना चल क्या रहा है, लक्ष्य चौधरी से मिलके क्या आ गया, खोफ ही खोफ पड़ गया पूरे सीपी में, कहना पड़े भाई मारा। और जस्ट इमेजिन लक्ष्य चौधरी भी आए, व्लॉग देख ले, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो नाइस व्लॉग, बिग फैन, खुल जाएगी खुल जाएगी। मैं तो स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट डाल दूंगा भाई। अब आए थे जामा मस्जिद, बहन आ गई थी लेने, ठीक है, जैसे तैसे हालात में आ गई, ठीक है, इसी हालात मैंने देखे थे, बाल देख रहे हो कैसे बिखरे पड़े हैं। मैडम गई थी गुरु रंधावा के उसमें फेस्ट में, सुबह गए, एंट्री बंद सब बंद, गुरु रंधावा नहीं आया, अंदर ही फंसे रह गए। नहीं वो आ गया, बट इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसने बोला 30 सेकंड देख के वापस चला गया, आई विल नॉट है ना। बाकी यार जामा मस्जिद खाना बहुत स्वाद है, खाना पीना खा के पेट भर के फिर निकलेंगे। लिविंग जामा मस्जिद फुल खा पी के, रात के बज रहे हैं, अभी क्या बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, ठीक है, चल 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 चलो आ जा, चल तेरे को लेके चलूँ मैं, तेरे को रास्ते रुस्ते नहीं पता होंगे ना, ऐसे लेफ्ट राइट हिलती चल रही है ना, गूगल मैप्स दोबार एक मोड मुड़वा के कह देगी आगे का बता, यहाँ तो पता था आगे नहीं, आगे नहीं पता, बताओ व्हाट इज दिस, कहना बड़े भाई। 1 बजे रात के और अभी तक घर नहीं पहुँचे, ऐसे टहल रहे हैं, इसे कहते हैं हेक्टिक। और सुबह निकलना फटफट, देखते हैं सुबह कितने बजे की ब्लाबला मिलती है, अभी तो जाके पढ़ जाऊँगा व्लॉग व्लूग, बाद में देखूँगा मैं, मूड करा तो एडिट मार दूंगा, नहीं करा तो देखते हैं क्या रहता है। वो रूम पे जाते हैं, थोड़ा सिस्टम भी सेट करना है रूम पे, सिस्टम इन दी सेंस थोड़ा वो क्या कहते हैं उसे, अकाउंट्स मैच करने हैं, पैकिंग करनी है सब, है ना, फिर देखते हैं, फिर बाद में एंड करता हूँ लोग थोड़ी देर में। तो गाइस ये आज का एंड कर देता हूँ, सिस्टम क्या बिठाया, पटेल अपना निकल जाएगा सुबह 8 बजे, ठीक है, डायरेक्ट यमुनानगर की ब्लाबला से निकल जाएगा, और मैं डायरेक्ट अम्बाला की ब्लाबला से 9 बजे निकलूँगा, इसके 1 घंटे बाद अलग अलग ही जा रहे हैं, चोद बहुत पड़ रही थी ब्लाबला की और ये सब ना, तो देखना थोड़ा सिस्टम सा हिल गया था हमारा कुछ, वो देखना वेखना था, मैं क्या चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, बस की भी उतने ही पैसे पड़ रहे थे, बस में धक्के खाने की बजाय ब्लाबला में धक्के खा के चले जाएंगे अम्बाला तक, संडे ही अपना, ठीक है। और कल तो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैं, कल कुछ है नहीं करने को, तो जिसको सही लगा वो बता देना, मिलेंगे कॉलेज वाले ब्लॉग में आई होप, है ना, कल रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ तो फिर
आज का सुबह वाला व्लॉग कल आ जाएगा और शाम लक्ष्य चौधरी वाला व्लॉग मंडे को आ जाएगा। बस ठीक है, इजी हो गया, सॉर्टेड हो गया, है ना। तो मिलेंगे जल्दी कॉलेज वाले व्लॉग्स में।